वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज है करवा चौथ और करवा चौथ की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाई। और आप देख सकते हो मैंने मेहंदी लगाई थी बट रात में ही धो दी थी। रात तो कलर बिल्कुल भी नहीं आया था बट अभी थोड़ा थोड़ा आ गया है। और आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं अब करने वाली हूँ पूजा। क्योंकि क्या हुआ था, अभी विशु उठ गए थे तो विशु को मम्मी ठहराने गई थी बाहर। और जैसे ही मम्मी बाहर आई तो विशु को लग गई थी बहुत तेज से भूख और विशु पी रहे हैं यहाँ पे दूध। अब विशु दूध पी लेंगे, उसके बाद में विशु को नानी के पास छोड़ दूंगी और मैं कर लूंगी पूजा। और बस गाइज यही था। फास्ट नहीं है तो क्या हुआ, मैं पूजा तो कर ही सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई, नहा गई और अभी मैं करूंगी पूजा। तो गाइज बोलते हैं आज का त्योहार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है एक लेडी के लिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें पूरा एक साल वेट करना पड़ता है, मुझे तो करना ही पड़ेगा गाइस। बट आप सब लोगों को बहुत 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 सारी बधाई। तो गाइस मैं आती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो पूजा मैंने कर ली है। तो गाइज आपने देखा मैंने कर ली है पूजा। और विशु क्या हुआ था, थोड़े विशु ने दूध पिया और मुझे लगा कि उसे नहला देना चाहिए तो मैंने उसको नहला दिया है गाइज। और ये मैंने ऐसे ही डाल लिए थे, ये यहीं पे थे मम्मी के घर पे, मैं पिछली बार छोड़ के चली गई थी। और गाइज बस मैं ऐसे ही तैयार हो गई हूँ, आप देख सकते हो। कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। गाइज मैंने लिपस्टिक लगाई है NY बेकी लिप क्रियोन, शेड नंबर है 29 और आईब्रो पेंसिल लैक्मी की है। बिंदी लगाई है और गाइज मेहंदी भी लगा ली है और फेस पे क्रीम है मेरा, आपको पता ही है मैं ओले लगाती हूँ, बस वही क्रीम मैंने लगा ली है नेचर वाइट वाली। और ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि यार हो ही जाती हूँ तैयार, तैयार होने में क्या है, फास्ट ही तो नहीं रखना है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी बोल रही थी कि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, तो मैं तैयार हो गई हूँ ऐसी। और गाइज विशु को नहला के मैंने सुला दिया है, विशु सो रहे हैं, मम्मी का भी फास्ट है, मम्मी ने पूजा कर ली है। और बस अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बाहर रहती है मेरी मतलब बहन ही है, पड़ोस में रहती है, उनका नाम हैप्पी है, तो मैं उनसे मिलके आती हूँ अभी। गाइस ये आ गई थी हैप्पी और हैप्पी को लगाई है मैंने मेहंदी। मेहंदी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगानी नहीं आती है बट फिर भी मैंने उसको लगा दी है, वो आ गई थी कीप ले के। और आप मिल सकते हो हैप्पी से, हेलो करो। तो गाइस हैप्पी कैसी लगी है मेहंदी बताओ? बहुत प्यारी लगी है, पक्का ना? अच्छी लगी है। मैं मेहंदी लगवाती नहीं हूँ पर मैंने दीदी से ज्यादा लगवाई है। गाइस मैंने मेहंदी लगाई नहीं है पर वो वैसी ही तारीफ कर रही है मेरी और मेरी मेहंदी ये रही। नहीं बहुत अच्छी है देखो। तो गाइज मैं गई थी हैप्पी से मिलने और मैं ले आई हूँ ये, आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको खोल के दिखाती हूँ। तो गाइस हैप्पी को मेहंदी लगाने के बाद हम जैसे ही बाहर गए आ गया था एक साड़ी वाला और गाइस सभी लोग साड़ी देख रहे थे तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था साड़ी लेने का। अपने लिए नहीं ली है बट मैंने ये साड़ियाँ ले ली हैं, अच्छी लग रही थी, सभी लोग ले रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी ले लेनी चाहिए, तो मैंने ये दो साड़ियाँ ली हैं। गाइस बहुत इसका कपड़ा सिल्क जो बोलते हैं सिल्क है और इसका है सिफोन, तो ये साड़ियाँ मेरे को अच्छी लग रही थी गाइस मैंने ले ली हैं। आप कैसी लगी हैं ये साड़ियाँ प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। गाइस मैं जैसे ही बाहर गई और साड़ी वाले भैया आ रखे थे, साड़ी मैंने ले ली है और
बस मैंने आपको साड़ी दिखाई यही था, और आपको पता है हैप्पी भी आ गई थी, तो मैंने सोचा साड़ी के बाद मैं उसको मेहंदी लगा देती हूँ, तो मैंने उसको मेहंदी भी लगा दी। और गाइस मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती है, डिजाइनर मेहंदी नहीं लगानी आती है, जैसे कि अश्मि जी को पसंद है, और मैंने यही मेहंदी लगाई है, यही मेरी डिजाइनर मेहंदी है। मैंने बोल दिया है उनको कि ये मेरी डिजाइनर मेहंदी है, अभी तक उन्होंने फोन नहीं किया है, ऑफिस में है। बट ये देखो गाइस ये मेरी शादी का सूट है, या जब ये पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा है, क्योंकि मैं वैसे ही हो गई हूँ जैसे पहले थी, पतली हो गई हूँ अब, तो ये सूट मेरे को आने लगा है गाइज। और मम्मी ने पूजा वूजा मैंने जैसे कि आपको बताया कर ली थी, और गाइज अभी विशु सो रहे हैं, अभी पता नहीं विशु कब तक सोएंगे, जब भी उठेंगे तो उनसे मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। फास्ट नहीं है, थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, पर गाइस मैं आपको एक सेकंड इधर बैठ जाती हूँ ना, फास्ट मेरा नहीं है, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं, सब लोग अगर बोल रहे हैं कि फास्ट इस टाइम पे नहीं रखते हैं, सेकंड वाला फास्ट नहीं रखते हैं, तो ठीक है नहीं रखते हैं, नहीं रखा है। और गाइस आज मैंने बिंदी लगा ली है, मन कर रहा था तो लगा ली, और बस यही था। हाँ हैप्पी हैप्पी आ गई है, देखो आई अभी। हाँ हाँ ये देखो गाइस हैप्पी आ चुकी है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं हाँ इसी से मिलने गई थी। साड़ी हैप्पी साड़ी कैसी लगी? हाँ बहुत प्यारी थी, इन्हीं के साथ मिलके ली है मैंने वो साड़ी, और मैंने दिखा तो रच गई। ये देखो धुली भी नहीं है अभी तो गाइज, अभी हैप्पी मेरे को कहीं लेके जा रही है, पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, देख लेते हैं। गाइज हैप्पी मेरे को इसलिए बुलाने आई थी, उसे लगा कि मेरा फास्ट है, और सभी लोग क्या होता है यहाँ पे, सभी लोग मिलके कहानियाँ कहानी सुनते हैं ना, एक आंटी जी हैं वो कहानियां सुनाती हैं सबको, तो उसे लगा कि मेरा फास्ट है, तो वो मुझे बुला के ले गई, और फिर मैंने कहा मेरा फास्ट नहीं है, तो फिर मैंने अभी मम्मी को भेजा है, मम्मी चली गई है कहानी सुनने के लिए, अभी सब लोग आएंगे तो मैं उनकी पिक क्लिक करूंगी, अपनी भी करूंगी, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी गाइज। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, मैं भी खुश हूँ, बट थोड़ा अजीब लगता ही है, और सभी लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम रख लेना, जब बड़े लोग ऐसा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आप रख लेना। और हाँ गाइज एक मेरी सब्सक्राइबर है लर्न विद सुबी जी, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था, तो मुझे उनका कमेंट भी बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशान थी, जब उनका कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सुबी जी, आपके कमेंट ने मुझे हिम्मत दी थोड़ी सी, और मुझे अच्छा भी लगा, आपके लिए दिल से थैंक यू। हम आप और मैं नेक्स्ट टाइम फास्ट रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। अश्मित जी का भी पता है फोन आया था और कह रहे थे आप ना एक काम करो सबको बोल दो कि मेरा फास्ट है, किसी को थोड़ी पता चल रहा है, मतलब इतनी मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, मेरे को रियल फास्ट रखना है और रियल ही सबको बताना है, ऐसे झूठ झूठ नहीं बताऊंगी। तो कहते अगर आपका मन है तो आप ऐसा कर सकते हो, बहुत बहुत गंदे हैं। हाँ मेरी आप मेरी इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे मुझे पता है, और गाइज बस अभी सब लोग आ जाएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, विशु से मिलवाऊंगी, बस यही था, और रेडी तो मैं हो गई हूँ आप देख सकते हो मुझे। हाँ गाइज एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के लिए पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को सुन के, बट वो चीज मैं आपको बताऊंगी जब अश्मित जी आ जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज उस चीज को देख के महसूस करके, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी जब अश्मित जी आ जाएंगे, अभी देख लेते हैं विशु को। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा क्यूटू प्यूटू सा ये विशु उठ चुका है, और हम क्लिक कर रहे थे बाहर फोटोज, और तो पता चला कि हमारे विशु महाराज उठ गए हैं। विशु मम्मा कैसी लग रही है? विशु इधर देखो, विशु मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है मम्मा, सांसें ले रहा है लंबी लंबी, पता नहीं बताएगा विशु मम्मा अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये मम्मा अच्छी लग रही है उसको, अच्छी लग रही है मम्मा, आओ हैप्पी आओ।
ये देखो मासी भी आ गई और बेटू को जमाई आ रही है। क्या हो गया विशु? देखो गाइस सब लोग आ चुके हैं कथा सुन के और हमने फोटोज करा ली है क्लिक। और ये देखो गाइस मौसी परेशान करते हुए, बच्चे का खेलने का मन नहीं है और ये मौसी कह रही जबरदस्ती खेलो। ये देखो गाइस क्या चलती है मेरी कुटी बुटी। ये देखो ओ विशु तो देखो मम्मा क्या बोल रही है, मौसी क्या बोल रही है, कुची पुची कर रही है मौसी। अच्छी आले 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 वाले वाले आ रही भाई। ओ खत्म होता परमेश्वर कैसे करता है। हाँ विशु छतर पतर परमेश्वर मारा लच दानी का बीच। ओहो हमारे बीच। ये देखो गाइस मोची की मेहंदी की वीडियो बना रही है मम्मा और आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो विशु? गाइस आप विशु को देखो, विशु कैसे खेल रहा है मासी के हाथों के साथ। ओ, हु, हु। अभी मैं भी कर लेती हूँ, देखते हैं किसकी मेहंदी लेता है। अच्छा टिक 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 दोनों की चाहिए ये। हेलो 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 मेरा बाबू क्या कर रहे हो माची के साथ? मस्ती कर रहा है वो। है क्या कर रहे हो? ओ देखो माशी। ओ देखो माशी माशी आपसे ये बेबी नहीं संभल रहा है। ये मेरा बेबी कहाँ जा रहा है? ये मेरा बेबी यहाँ पे बैठा है आज पट्टी। हाँ मम्मा 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 ये देखो माची पार्टी पार्टी करो जल्दी फटाफट फटाफट करो। उसको तो डब्बा चाहिए, डब्बा ले लो। हैप्पी पार्टी करो। अरे वाह अरे वाह अरे वाह जल्दी करो ठीक से करो। कैसी करती माजी? अले वाह अले वाह अले वाह आजी बाजी जय जय जागी जय कुल बंगाई नानी गजरी की मंडराई बेबी। ये क्या कौन सी इंग्लिश बोल रही है? और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बाय। और विशु को देखो ओ।